तो आज जो टॉपिक है हमारा मशीन गार्डिंग है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सर मशीन गार्डिंग पे भी वीडियो बनाई है, मशीन गार्डिंग का क्या मैश साइज होता है, क्या कलर कोडिंग होता है, मशीन गार्डिंग बोलते किसे हैं, कितनी टाइप की होती है, ये कॉमन क्वेश्चन थे। तो मैंने इन टॉपिक्स को कवर करके और कोशिश किया कि आपको आज पूरी मशीन गार्डिंग समझा दूँ, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो, तो जरूर इसको देखिएगा पूरा। चलिए, मैंने टाइप ऑफ गार्ड सबसे पहले ले लिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया, नहीं तो लोग वीडियो ही नहीं देखते आगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टाइप्स ऑफ गार्ड्स को ले लिया। देखिए, सबसे पहला गार्ड होता है फिक्स्ड गार्ड्स। फिक्स्ड गार्ड की सबसे बड़ी खासियत है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ठीक ऊपर लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ऊपर उसके लगता है, सिक्योरली फासन रहता है वेल्डिंग से रिविटिंग से, ठीक उसके ऊपर लगता है और किसी टूल की मदद से ही खुलता है, तो ये फिक्स गार्ड होता है। जो आप देखेंगे फिगर्स में भी एब्सोल्युटली एकदम जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ठीक उसके ऊपर लगा हुआ है। इंटरलॉकिंग गार्ड, इंटरलॉकिंग गार्ड सेकेंड गार्ड होता है, हमेशा ध्यान रखिए आईएस कोड बोलता है कि जहाँ फिक्स गार्ड नहीं लग सकता वहाँ दूसरा आपको सबसे पहले गार्ड अगर सोचना है कोई तो वो इंटरलॉकिंग गार्ड होगा। ये गार्ड वो गार्ड होता है जो किसी भी डेंजरस पार्ट के, जैसे ये मशीन मैंने दिखाई हुई है, इस मशीन के अंदर कोई भी डेंजरस जो पार्ट है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस डोर को खोलोगे इंटरलॉकिंग गार्ड मशीन को रेस्ट पे ले आएगा। तो ये इंटरलॉकिंग गार्ड की मैंने अंदर की पोजीशन आपको पिक्चर में इधर दिखाई हुई है कि ये इंटरलॉकिंग गार्ड इस तरह से लगा हुआ है, एक प्रॉक्सी सेंस करती है मेटल ऑब्जेक्ट को, ये सामने डोर पे लगी हुई है। जैसे ही ये डोर यहाँ पे खोलेंगे, ये इसके अंदर का मैंने पॉइंट दिखाया है आपको यहाँ पे पढ़ा करके, तो इस डोर को जैसे ही खोलेंगे तो ये प्रॉक्सी सेंस करना मेटल को बंद कर देगी और मैसेज दे देगी एक्चुएटर को मशीन को रेस्ट पे लाने के लिए, तो मशीन रेस्ट पे चली जाएगी। तो इंटरलॉकिंग गार्ड ये होता, तो पहला गार्ड फिक्स गार्ड, दूसरा तीसरा एडजस्टेबल गार्ड, सेल्फ एडजस्टेबल गार्ड। तो इनका काम सिंपल सा होता है, ये देखिए नीचे मैंने ड्रिल मशीन के ऊपर एक लगा के आपको दिखाया है, ये स्लाइडिंग टाइप गार्ड है, मतलब देखेंगे तीन, मतलब टेलीस्कोपिक साइड टाइप टाइप आपको ये गार्ड दिख रहा होगा, मतलब जैसे ही जॉब आएगा अगर जॉब बड़ा है तो ये गार्ड ऊपर की ओर आ जाएगा, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसी तरीके से ये बैंड शॉप पे मैंने जो ये दिखाया हुआ है, ये जो ट्रांसपेरेंट गार्ड है ये गार्ड आप आगे पीछे कर सकते हो, अपने आप को जॉब के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, जॉब के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। ये एडजस्टेबल गार्ड, यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्ड की बात की हुई है, तो ऑटोमेटिक गार्ड वो डिवाइस है जो ऑपरेट होकर किसी भी पर्सन को एक्सपोज होने से बचाती है। तो जैसे ये रेडियल आर्म शॉप पे आप देख रहे हैं कि एक एंटी किकबैक फिंगर लगा हुआ है, तो ये आपको आपके बॉडी पार्ट को दूर कर देता है मशीन मूविंग ऑब्जेक्ट के करीब आने से पहले, तो ये, और दूसरा ये गार्ड में ऑपरेटर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके उसके बिना काम करता है, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो गया। ट्रिप गार्ड, ट्रिप गार्ड मतलब आप किसी मशीन के डेंजरस पोजीशन का जो रेडियस बना रहता है, जैसे ये इसमें एक फेंसिंग पैरामीटर, फेंसिंग के अंदर एक रेडियस बना हुआ है, इस रेडियस में आप देखेंगे एक इस तरह की ट्रिप गार्ड की ये सेंसिंग डिवाइस बनी हुई है, आप इसको जैसे ही क्रॉस क्रॉस करने की कोशिश करोगे, रोबोट की तरफ जाने की कोशिश करोगे, तो इसमें जो ट्रांस रिसीवर सेंसर है वो सेंस कर लेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट अंदर, फॉरेन ऑब्जेक्ट अंदर आया है और मशीन को रेस्ट पे ले जाएंगे। तो ये आपका ट्रिप गार्ड होता है कि इस सेंसिंग डिवाइस से सेंस करके आपका रोबोट रेस्ट में चला गया। दूसरा ट्रिप गार्ड, ये ट्रिप गार्ड तो नहीं है ये, और दूसरी बात ये टू हैंड डिवाइस का जो मैंने फोटो लगाया ये तो गार्ड होते ही नहीं है, ये वो डिवाइस होती है जो आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ आपके हाथ को जाने ही नहीं देती। इसमें खासियत ये होती है कि इसके डिवाइस के अंदर जो ये सर्किट होती है वो ऐसी होती है कि बिना दो बटन दबाए आपको मशीन चलेगा ही नहीं, तो ऑपरेटर को दोनों हाथ यहाँ पे रखना होता है। हाँ, इसको बाईपास करते हैं ऑपरेटर, वो क्या करते हैं एक एक बटन को परमानेंटली धागे से या रस्सी से या किसी चीज़ से बांध के छोड़ देते हैं, फिर एक ही हैंड से चलाते, तो ये आपको वायलेशन पकड़ना होगा वर्क प्लेस पे, नहीं तो वो क्या होगा कि एक हाथ उनका जाएगा मशीन के बीच में। क्यों? इसको इसलिए करते हैं जिससे कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल सके, तो ये बाईपास करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अदरवे अगर बाईपास ना करें तो टू हैंड डिवाइस बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका हैंड डेंजर लाइन की तरफ जाएगा ही नहीं। तो
तो ये तो ट्रेड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी डेफिनेशन चलिए बता देता तो हूँ। मशीन गार्डिंग का डेफिनेशन, दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, एडिक्वेट अप्रोप्रिएट। मशीन गार्डिंग हमेशा एडिक्वेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मशीन गार्डिंग आपने जो बनाई हो इतनी कमज़ोर है कि आपका जो अंदर से कुछ टूटता भी है, अंदर से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट भी है, तो वो बाहर के आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा अप्रोप्रिएट, जैसा मैंने दिखाया, जहाँ सेल्फ एडजस्टमेंट गार्ड की ज़रूरत है वहाँ सेल्फ एडजस्टमेंट लगाइए, जहाँ पे फिक्स गार्ड की ज़रूरत है वहाँ फिक्स गार्ड लगाइए, जहाँ पे मूविंग गार्ड की, जहाँ पे क्या कहते हैं ट्रिप गार्ड की ज़रूरत है वहाँ ट्रिप गार्ड की को लगाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेसी एंड अप्रोप्रिएसी इन मशीन गार्डिंग। तो ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी तो मशीन गार्डिंग को आप अच्छे से समझ सकते हैं। IS कोड 9474, ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको 9474 के बारे में ही बता रहा हूँ। सेक्शन 21 है जो फैक्ट्री एक्ट का, वो बताता है मशीन गार्डिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको मशीन गार्डिंग लगानी कैसे है, कैसे लगाओगे समझ नहीं आता, तो उसके लिए IS 9474 बना है, जिसने उसकी गाइडलाइन को लेट डाउन किया है कि कैसे आप इजीली सेक्शन 21 की रिक्वायरमेंट को मशीन गार्डिंग की फुलफिल कर सकते हो। कलर कोडिंग ऑफ मशीन गार्डिंग, ट्रूली स्पीकिंग कहीं नहीं लगा कि क्या कलर कोड होना चाहिए। ओशा बोलता है कि येलो कलर होना चाहिए फिजिकल हैजर्ड्स के लिए, वर्क प्लेस के जो स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, स्टम्बलिंग, फॉलिंग एंड कॉट इन बिटवीन के जिस जो फिजिकल हैजर्ड है उनके लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उन हैजर्ड्स को येलो कलर कोडिंग करना है, तो उसमें आपका मशीन गार्ड भी आ जाता है, क्योंकि कॉट इन बिटवीन आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसी में होता है, तो आपका यहाँ पे मशीन गार्डिंग का कलर इनडायरेक्ट वे में येलो आ जा रहा है ओशा के अकॉर्डिंग। जो IS कोड मैं दिखा रहा हूँ उसमें हर जगह ऑरेंज दिया हुआ है कलर कोड, अगर आप देखोगे कलर उसमें लिखा कहीं नहीं है, लेकिन बने जो गार्ड है वो ऑरेंज कलर में बने, तो लोग ऑरेंज कलर कोडिंग सोचते हैं, आप कर सकते हो ऑरेंज। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका जो फिजिकल हैजार्ड है वर्क प्लेस पे, वो ऑपरेटर को या वर्कर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मशीन गार्डिंग लगी हुई है, ये इस कलर की है, वो आप डिफाइन कर सकते हो कोई भी कलर येलो या ऑरेंज, और उसको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, बस उससे वो। ये जो स्लाइड है आप, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये गार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 450 mm पे लगा है, और एक ये गार्ड आप देख रहे हैं जो 40 mm पे लगा है। तो इसमें हमने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है, ये जो बी लिखा हुआ है ये जो लाइन है ये डेंजर लाइन है। डेंजर लाइन से अगर 40 mm दूरी पे कोई गार्ड लगा है तो उसका मेश साइज है जो 6 mm का होना चाहिए, जो इस टेबल में दिया हुआ है। और अगर 450 mm की दूरी पे लगा हुआ है मिनिमम, तो 450 की दूरी पे मिनिमम मेश साइज जो गार्ड का, मशीन जो जाली का छेद है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ही बस इस फिगर में बताने की कोशिश की गई है। बाकी अगर आपका 65 mm तक है तो देखिए जो जाली का साइज 10 mm हो सकता है, 140 mm तक है तो जाली का साइज 15 mm हो सकता है। बस यही यहाँ पे बताया गया है कि डेंजर लाइन जो ये बी है, जो ये वर्टिकल जो लाइन बन रही है, इससे मशीन गार्ड जितना दूर जाता जाएगा मेश साइज जाली का साइज उतना बढ़ता जाएगा, यही इसमें बताने की कोशिश की है। तो आप इसको पॉज करके पूरा समझ सकते हैं। सबसे करीब है जो, बस उसका ध्यान रखिए कि जो एकदम ऑब्जेक्ट लगाई है 40 mm यानी फिक्स गार्ड आपको हमेशा मिलेंगे ऐसे, तो उनमें जाली का साइज 6 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीजनेबल रीच कर्व, इसमें सिंपल सा एक लाइन याद रखिएगा, इस कर्व में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिंपल सा आप ध्यान रखिए आपका जो डेंजर लाइन में जो गार्ड लगा है, जैसे ये देख रहे हैं आप ये गार्ड लगा हुआ है कैंटिलीवर टाइप, ये गार्ड में जो गार्ड का एज है, जो आप देखेंगे ये एल्बो के पास आ रहा है, ये जो एज है ये जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो ह्यूमन का फिंगर है इंट्रैप होने का चांस कम होता जाएगा, यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। सेकंड ये चीज़ ध्यान रखिए कि 2.60 मीटर की रीच में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी के, मतलब अगर मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ और मेरे आसपास 2.60 मीटर हाइट तक कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट फेंस होना चाहिए, कोई
कोई भी मेरा बॉडी का पार्ट ना जाए। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल गार्ड में सिंपल सा यही बताया गया है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसमें जो जॉब और मशीन है उसके अकॉर्डिंग लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको लगा दिया गार्ड को, उससे ऑयलिंग वगैरह करने में दिक्कत आ रही है। यही चीज़ें बताई गई हैं जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ। फ्रेमवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मॉल गार्ड्स, ब्रेस्ड गार्ड्स, अनब्रेस्ड गार्ड्स, ये तीन तरीके के आपके गार्ड्स हैं जिनकी हम बातें करते हैं टाइप ऑफ गार्डिंग में। अगर स्मॉल गार्ड है तो उसमें रॉड 1 सेंटीमीटर डायामीटर की लगेगी, मतलब तो जो गार्ड लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मटेरियल उसका 20x20x3 साइज का, mm के साइज़ का होना चाहिए। पाइप की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ब्रेस्ड गार्ड और अनब्रेस्ड गार्ड में आपको पाइप की ज़रूरत होती है, वहाँ पर रॉड से काम नहीं चलता। बस यही डिफरेंस है फ्रेमवर्क में। ये आप पॉज करिए, इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हमने पैनलिंग की बात की है, फास्टनिंग की बात की है। तो पैनलिंग में हमने यही बताने की कोशिश की है कि सॉलिड मटेरियल का यूज़ होना चाहिए जो क्या कहते हैं गार्ड है, और अगर पैनल है तो वो शीट मेटल की जो थिकनेस है वो 1 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो यही बताने की कोशिश की पैनलिंग में। अगर फास्टनिंग किया गया है तो आपका जो रिविट और बोल्ट की स्पेसिंग है मशीन गार्ड में, जो रिविट और बोल्ट लगेगा मशीन गार्ड में, वो 125 mm से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए उन बोल्ट्स के सेंटर से सेंटर की। ध्यान रखिएगा, एक बोल्ट से, आप ऐसे याद रखिए, एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट के बीच की दूरी 125 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ डायमेंशन दी गई हैं, इन्हें भी आप पॉज करके देख सकते हैं। मोटा मोटी आपका साउंड मटेरियल का होना चाहिए, अच्छे से उसमें फास्टनिंग और क्या कहते हैं रिविटिंग और बोल्टिंग होनी चाहिए। अगर पैनलिंग है तो उसकी जो जो शीट मेटल है, उसकी जो चादर है, शीट मेटल जो बोलते हैं, वो 1 mm। ओवरहेड बेल्ट गार्ड, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर कोई भी बेल्ट 2.60 मीटर की हाइट तक की चल रही है तो उसमें, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसमें लिखा है कि ओवरहेड बेल्ट गार्ड, सॉरी ओवरहेड बेल्ट गार्ड की बात कर रहे हैं हम, अभी फ्लोर वाली की नहीं कर रहे। तो जो ओवरहेड बेल्ट गार्ड है उसमें हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कोई भी 2.60 मीटर की, जो मैंने पहले भी अभी बताया, की रीच पे आ रही है बेल्ट, तो पूरी तरीके से गार्डेड रहेगी। उसके ऊपर है तो ये ध्यान रखना है कि उसके नीचे से अगर कोई लोग जा रहे हैं तो वो जितनी नीचे से जा रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियन बना हुआ है उसके ठीक ऊपर का पोर्शन गार्डेड होना चाहिए, क्योंकि लोग यूजुअली प्लांट्स में ओवरहेड बेल्ट्स के नीचे के पोर्शन को मशीन गार्डिंग करना छोड़ देते हैं। और अगर वो 2.60 मीटर की रीच में है, जमीन से 2.6 मीटर है, तो आदमी का हाथ वहाँ पे आ सकता। ये मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव्स जो फ्लोर पे लगी हुई हैं, अगर 2.60 मीटर की जमीन से ऊंचाई है बेल्ट की जो मूव कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब मटेरियल ले जा रही है, मिट्टी या कोयला या जो भी ले जा रही है, तो उसमें 38 सेंटीमीटर आपको बेल्ट से ऊपर मशीन गार्ड देना होगा, क्योंकि वो फ्लोर से 2.6 मीटर आपकी हाइट पे बेल्ट है। एक आदमी की अभी मैंने जो बताया था रीच 2.6 मीटर तक जाता है, तो अगर किसी चीज़ पे, या अगर आपने 2.6 मीटर का ही गार्ड लगा दिए, 2.6 मीटर की हाइट तक का गार्ड लगा दिया, तो आपका आदमी का हाइट वहाँ पे टच कर सकता है बेल्ट से, तो आपको 38 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना पड़ता है मशीन गार्ड। यानी मशीन गार्ड जो लगेगा वो 2.98 सेंटीमीटर लगेगा नीचे से। क्यों मैं नीचे से इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे भी बेल्ट का मूविंग पार्ट है, क्योंकि जो बेल्ट वापस रिटर्न आ रही है वो नीचे चल रही है, तो आपको ये पूरा गार्ड करना चाहिए। टाइप ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलेंगे टाइप ऑफ मोशन क्यों बता रहे हैं आप मशीन गार्डिंग में, तो भाई जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट कौन 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 से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है एक रोटरी मोशन वाला मूविंग ऑब्जेक्ट। रोटरी मोशन मीन्स अपनी एक्सिस पे एक शाफ्ट रोटेट कर रही है, ये रोटरी मोशन हो गया। ठीक है, ये देखिए ड्रिल अपनी शाफ्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, 360 डिग्री, तो वो आपका हो गया रोटरी मोशन। इन रनिंग पॉइंट रोटरी मोशन का ही आप एक पार्ट समझ लीजिए, लेकिन इसमें एक निप क्रिएट होता है, मतलब जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में एक निक क्रिएट होता है 10 mm का। उस 10 mm के पोर्शन को आपको
मशीन के पास ह्यूमन बॉडी ले जाने से या फिंगर ले जाने से बचाना है, तो वो पार्ट को भी आपको मूविंग ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, जो कि हम निप पॉइंट के नाम से जानते हैं उसको। रेसिप्रोकेटिंग और स्लाइडिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ध्यान रखिए, रोटरी मोशन हमने 360 डिग्री अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे कोई चीज़ मूव होती है, वो 360 डिग्री नहीं मूव करती, ऊपर नीचे मूव करती है। ठीक है, जैसे स्लाइड्स ऑफ पावर प्रेस, जब बड़ी बड़ी गाड़ियों की जो बॉडी को प्रेस करके हम बनाते हैं, तो वो पावर प्रेस पे बनाते हैं, तो पावर प्रेस का जो मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। रोटेटिंग मोशन, देखिए ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि रोटरी और रोटेटिंग मोशन में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि रोटरी मोशन में एक शाफ्ट मूव कर रही थी 360 डिग्री, रोटेटिंग मोशन में क्या है, शाफ्ट जो मूव कर रही है उसके ऊपर एक पुली भी मूव कर रही है, तो ये आपका रोटेटिंग मोशन में होगा। ऑस्किलेटिंग मोशन, अगर ये फिगर नहीं समझ में आता तो सिंपल सा आप समझिए, जो झूला होता है, झूला आपका क्या करता है, आगे पीछे जाता है, ऊपर नीचे नहीं जाता, आगे पीछे जाता है, तो दैट इज ऑस्किलेटिंग मोशन। तो ये टाइप ऑफ जितने भी मोशन मैंने बताए, इनको आपको मूविंग ऑब्जेक्ट कंसीडर करना। निप पॉइंट और क्लियरली देखिए, इसमें दिखाया हुआ है, ये एक रोलर ऊपर जा रहा है, ये एक रोलर नीचे आ रहा है, इनके बीच में ये 10 mm का आप देख रहे होंगे, जो डी और ई से हमने डिनोट करने की कोशिश की है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो 10 mm का डिस्टेंस है, इसके पास फिंगर आई तो समझिए आपकी बॉडी अंदर गई, तो आपको यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे गार्ड देना पड़ेगा, यहाँ पे गार्ड देंगे तो आपका, आप क्या कहते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं।